हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमन। आप देख रहे हैं सुमन टेक्नो। दोस्तों, आज हमारे पास है सैमसंग गैलेक्सी M31। आज इस वीडियो में सैमसंग गैलेक्सी M31 में टॉप 80 प्लस हिडन फीचर्स या टिप्स एंड ट्रिक आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, अगर आपके पास iPhone है या आप iPhone बाय करने के लिए सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहला जो फीचर्स है वही गाइस, किसी भी ऐप पर आप टैप करके रखिए और बहुत सारे ऑप्शन खुल के आ जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे मैं YouTube के ऊपर टैप करके रखा हूँ और दोस्तों ट्रेंडिंग, सब्सक्रिप्शन, सर्च, शॉर्टकट खुल के आ जाएगा। तो आप YouTube के अंदर ना जाके डायरेक्टली ऐसे सारे शॉर्टकट में जा सकते हो। और भी दोस्तों बहुत सारे शॉर्टकट दिया है, जैसे कि दोस्तों रिमूव फ्रॉम होम स्क्रीन, ऐप इन्फो वगैरह भी देख सकते हो यहाँ पे आके। उसके बाद दोस्तों होम स्क्रीन में अगर दो फिंगर से पिंच करोगे तो नीचे की तरफ बहुत सारे ऑप्शन खुल के आ जाएगा। वॉलपेपर में जाओगे, सैमसंग यहाँ पे बहुत सारे वॉलपेपर दिया है, आपके हिसाब से ऐसे सारे वॉलपेपर आप सिलेक्ट कर सकते हो। ऐसे भी गैलरी में जाके जो सारे पिक्चर आप खींचे हो वो सारे पिक्चर भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे थीम है, दोस्तों थीम में जाके बहुत सारे थीम वगैरह सिलेक्ट कर सकते हो। विजेट्स में जाओगे, तरह तरह की शॉर्टकट देखने को मिल जाएगा। जैसे कि दोस्तों ये जो शॉर्टकट है, अगर टैप करके दोस्तों इसी तरह होल्ड करके लेकर आ जाऊं तो दोस्तों यहाँ पे एक शॉर्टकट खोल के आ जाएगा। अगर आपको ऐसा शॉर्टकट चाहिए तो विजेट्स में जाके शॉर्टकट ले सकते हो। होम स्क्रीन सेटिंग में चलिए। सबसे पहला जो फीचर्स है होम स्क्रीन लेआउट, दोस्तों यहाँ पे जाओगे, बेसिकली एक क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे एक ऐप ड्रॉयर है। दोस्तों अगर यहाँ पे आने के बाद दोस्तों नीचे की तरफ जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करोगे, दोस्तों अगर इसको सिलेक्ट करोगे होम स्क्रीन ओनली, तो दोस्तों ये जो ड्रॉयर मोड है वो नहीं आएगा और सारे के सारे ऐप दोस्तों यहाँ पे होम स्क्रीन में आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों ऐप आइकन बड्स, दोस्तों ये क्या है, दोस्तों यहाँ पे ट्यूटोरियल दिखा रहा है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर किसी भी ऐप में नोटिफिकेशन वगैरह आता है तो दोस्तों ऐप के ऊपर डॉट जैसा खुल के आ जाएगा। अगर आप नंबर में सिलेक्ट करोगे तो दोस्तों जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर नंबर जैसा सिलेक्ट हो जाएगा। लॉक होम स्क्रीन लेआउट में जाओगे, दोस्तों ये क्या है, दोस्तों किसी भी ऐप पर आप टैप करके रखोगे तो दोस्तों यहाँ पे बहुत कुछ है, जैसे कि दोस्तों अनइंस्टॉल वगैरह कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे हेलो के ऊपर टैप करके रखोगे तो यहाँ पे अनइंस्टॉल वगैरह, रिमूव होम स्क्रीन वगैरह कर सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आने के बाद दोस्तों अगर इसको इनेबल करोगे और यहाँ पे टैप करके रखोगे तो दोस्तों जो अनइंस्टॉल वगैरह है वो कर नहीं पाओगे, सिर्फ ऐप इन्फो देख पाओगे। तो अगर आपको चाहिए रहता है तो यहाँ पे आके ये जो ऑप्शन है इसको इनेबल कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों स्वाइप डाउन फॉर नोटिफिकेशन पैनल, यानी कि दोस्तों आप होम स्क्रीन में स्वाइप डाउन कीजिए और दोस्तों यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल आ जाएगा। तो आपके हिसाब से आप यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल में सर्च भी कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों हाइट ऐप में आओगे, दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे ऐप को आप हाइट कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे अमेजन के ऊपर सिलेक्ट कीजिए और दोस्तों अमेजन हाइट हो जाएगा। अगर आपको अनहाइट करना है तो यहाँ पे आके अनसिलेक्ट कर दीजिए और अनहाइट हो जाएगा और आपको ऐप ड्रॉयर में वो ऐप नहीं मिलेगा जो आप यहाँ पे हाइट करोगे। दोस्तों नोटिफिकेशन बार में भी बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलता है। ऊपर की तरफ देखोगे तो सर्च कर सकते हो, यहाँ पे आके पावर ऑन ऑफ कर सकते हो, सेटिंग में भी जा सकते हो और दोस्तों यहाँ पे थ्री डॉट करके बहुत सारे फीचर्स है, एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों अगर आपको ब्राइटनेस कम करना है या ज्यादा करना है तो आप एक बार स्वाइप करोगे तो नहीं होगा, दूसरी बार स्वाइप करने के बाद ही दोस्तों आप यहाँ पे ब्राइटनेस लेवल को एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे थ्री डॉट में क्लिक करने के बाद अगर यहाँ पे दोस्तों क्विक पैनल लेआउट में आओगे और यहाँ पे शो ब्राइटनेस टॉप ऑन टॉप करोगे और डाउन कर दोगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई देगा टॉप में, यहाँ पे दोस्तों ब्राइटनेस लेवल आपको दिखाई देगा। और यहाँ पे थ्री डॉट में क्लिक करोगे दोस्तों यहाँ पे स्टेटस बार भी यहाँ पे आपको दिखाई देगा। दोस्तों बेसिकली यहाँ पे क्या है, स्टेटस बार में जो सारे नोटिफिकेशन है यहाँ पे अगर आप नंबर दिखाना चाहते हो कि कितना नोटिफिकेशन आया है यहाँ पे स्टेटस बार में तो नंबर दिखाई देगा। अगर आप चाहते हो कि जो पहला थ्री नोटिफिकेशन आए वही सिर्फ दिखाई दे तो थ्री कर लेना। अगर आपको ऑल नोटिफिकेशन दिखाना है तो यहाँ पे आके ऑल भी कर सकते हो। सो बैटरी परसेंटेज, दोस्तों जब आप फोन खरीदोगे बैटरी परसेंटेज नहीं दिखाई देगा, यहाँ पे बैटरी परसेंटेज को इनेबल कर देना और दोस्तों यहाँ पे बैटरी परसेंटेज दिखाई देगा, बहुत अच्छा फीचर्स है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप जाओगे स्वाइप करोगे फोकस मोड दिखाई देगा, बेसिकली ये क्या है, यहाँ पे टैप करोगे दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे वर्क टाइम एंड मी टाइम, बेसिकली दोस्तों ये फोकस करता है। अगर आप किसी भी काम कर रहे हो और उस टाइम चाहते हो कि आप YouTube वगैरह, मैं आपको दिखा देता हूँ, वर्क में क्लिक करके अगर स्टार्ट करोगे तो दोस्तों आप यहाँ पे YouTube वगैरह आप काम में नहीं लगा पाओगे, गैलरी भी आप काम में नहीं लगा पाओगे, प्ले स्टोर ओपन होगा वरना किसी भी ऐप ओपन नहीं होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे ऐप ओपन नहीं हो रहा है, तो
इसको डिसेबल करने के लिए दोस्तों यहाँ पे फोकस मोड को ऑफ कर देना, ऑफ हो जाएगा। अगर आप मी करके रखते हो तो मी भी कर सकते हो यहाँ पे फोकस मोड में जाने के बाद। यहाँ पे दोस्तों डॉल्बी एटमोस साउंड का सपोर्ट भी दिया है। अगर आप हेडफोन लगा के गाना वगैरह सुन रहे हो तो इसको इनेबल करके सुनना, जो ऑडियो वगैरह है वो अच्छा मिलेगा। उसके बाद दोस्तों चलिए सेटिंग में। सेटिंग में भर भर के फीचर्स मिलता है। साउंड एंड वाइब्रेशन में आओगे और यहाँ पे सिस्टम साउंड में आओगे। दोस्तों यहाँ पे जो टच साउंड है, जो स्क्रीन अनलॉक लॉक साउंड है, चार्जिंग साउंड है, यहाँ पे जो सैमसंग कीबोर्ड का साउंड है, यहाँ से आके आप मैनेज कर सकते हो। नोटिफिकेशन में आओगे दोस्तों, यहाँ पे सजेस्ट एक्शन एंड रिप्लाई। बेसिकली मान लो आपके व्हाट्सएप में किसी भी मैसेजेस वगैरह आता है तो यहाँ पे छोटा सा बैनर पॉपअप खुल के आ जाएगा और यहाँ से आप शॉर्टली रिप्लाई भी दे सकते हो, जो कि बहुत अच्छा फीचर्स है। डू नॉट डिस्टर्ब में जाओगे, जब इसको आप इनेबल करके रखोगे उस टाइम अगर आपके फोन में किसी भी कॉल वगैरह आता है या मैसेजेस वगैरह आता है तो वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। हाइट नोटिफिकेशन में आओगे दोस्तों, यहाँ पे आपको दिखाई देगा हाइट स्टेटस बार आइकन, जो आइकन होता है वो हाइट हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों इसको इनेबल करोगे तो स्टेटस बार में जो सारे आइकन होगा वो दोस्तों हाइट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो डोंट पॉप अप नोटिफिकेशन, यानी कि दोस्तों बहुत सारे नोटिफिकेशन पॉप अप खुल के आ जाता है तो वो नहीं होगा। और यहाँ पे आके हाइट ऑल भी कर सकते हो, हाइट फुल स्क्रीन नोटिफिकेशन भी यहाँ पे आके बंद ऑफ ऑन कर सकते हो। डिस्प्ले में जाओगे दोस्तों, डिस्प्ले में आने के बाद दोस्तों यहाँ पे ब्लू लाइट फिल्टर मिल जाएगा। जैसे कि दोस्तों नाइट मोड जैसा ही है, इसको आपके हिसाब से आप एडजस्ट भी कर सकते हो। तो मैं अभी इसको डिसेबल रहने देता हूँ। आप यहाँ पे शेड्यूल भी कर सकते हो, आपको कितने टाइम तक चाहिए तो आपके हिसाब से ये सब कुछ आप इनेबल कर सकते हो। डार्क मोड भी दिया है दोस्तों, मुझे डार्क मोड बहुत पसंद है और इसलिए दोस्तों मैं डार्क मोड को इनेबल करके रखा हूँ। और इस डार्क मोड में आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दोस्तों यहाँ पे लॉक स्क्रीन में आओगे दोस्तों, लॉक स्क्रीन में आने के बाद बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाएगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, मैं आपको पहले ही बता दिया था, लेकिन दोस्तों यहाँ पे टैप करोगे और भी फीचर्स देखने को मिल जाएगा। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में आप क्या क्या दिखाना चाहते हो, सो ऑलवेज यहाँ पे दिखाना चाहते हो, या टैप टू शो, अगर आप टैप करोगे तब शो होगा। अगर यहाँ पे आप शो एट शेड्यूल भी कर सकते हो, लेकिन दोस्तों यहाँ पे शो म्यूजिक इन्फॉर्मेशन भी कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों मान लो आप किसी भी म्यूजिक वगैरह सुन रहे हो और आपका जो स्क्रीन है वो ऑफ हो जाता है तो यहाँ पे आप यहाँ से लॉक स्क्रीन से पॉज वगैरह कर सकते हो, नेक्स्ट वगैरह कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छा फीचर्स है। आपके हिसाब से आप यहाँ पे सिलेक्ट करके रख सकते हो। बायोमेट्रिक्स में चलिए और यहाँ पे फाइंड माई मोबाइल देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपके फोन गुम हो जाता है और इसको इनेबल करके रखते हो तो इस वेबसाइट के जरिए आपके फोन को आसानी से ढूंढ सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे की तरफ जो है अदर सिक्योरिटी सेटिंग में चलिए और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा पिन विंडोज। दोस्तों बेसिकली ये ऑफ रहता है, आपको ऑन करना पड़ता है। मान लो आपके दोस्त को दिए हो यूट्यूब देखने के लिए और वो यूट्यूब के अलावा बहुत कुछ काम कर रहा है, अगर आप पिन विंडो करके देते हो तो वो यूट्यूब के अलावा कुछ भी काम नहीं कर पाएगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पिन दिस ऐप कर दीजिए और यहाँ पे ओके कर दीजिए, और दोस्तों नहीं तो यहाँ पे बैक होगा, नहीं तो यहाँ पे होम स्क्रीन में आएगा और नहीं तो मेनू में आएगा। और यहाँ से बैक में जाने के लिए दोस्तों यहाँ पे इस दो बटन को एक साथ प्रेस कीजिए और दोस्तों वो अनलॉक हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका जो पैटर्न है वो देना पड़ेगा और उसके बाद जाके दोस्तों ये अनलॉक हो जाएगा। तो यहाँ पे एक अच्छा फीचर्स दिया है। एडवांस फीचर्स में चलिए, साइड की में चलिए और उसके बाद डबल प्रेस करोगे यहाँ पे जो साइड की है वो कैमरा ओपन हो जाएगा या तो जो ऐप है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो स्मार्ट पॉपअप व्यू है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करोगे मेनू में आके तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिखा देगा ओपन इन पॉपअप व्यू। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो दोस्तों एक पॉपअप व्यू जैसा खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आके आप शॉर्टकट यूज कर सकते हो, यहाँ पे आके जो स्क्रीन है वो बड़ा भी कर सकते हो या घटा भी सकते हो। यहाँ पे स्क्रीन शॉट को आप आपके हिसाब से एनेबल कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे जो वॉल्यूम डाउन बटन एंड जो पावर बटन है दोनों को एक साथ प्रेस करोगे तो दोस्तों जो स्क्रीन शॉट है वो आ जाएगा। और यहाँ पे आने के बाद दोस्तों नीचे की तरफ बहुत सारे शॉर्टकट खुल के आ जाएगा। यहाँ पे क्रॉप में क्लिक करोगे तो आपके हिसाब से आप जो पसंद है वो आप यहाँ से आपके सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे पेंसिल में आके वो सब कुछ आप यहाँ से आके आप सिलेक्ट भी कर सकते हो और यहाँ से डायरेक्टली शेयर भी कर सकते हो। व्हाट्सअप जेंडर या ब्लूटूथ वगैरह मैसेजेस में आप यहाँ पे आके शेयर भी कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो रिड्यूस एनिमेशन, बेसिकली अगर इसको इनेबल करते हो और आप मैसेजेस में जाते हो और बैक करते हो एक एनिमेशन होता है। दोस्तों अगर आप इसको एनिमेशन को बंद करना चाहते हो तो यहाँ पे आके इस एनिमेशन को आप यहाँ पे आके बंद भी कर सकते हो। मोशन एंड जेस्चर्स में चलिए, यहाँ पे लिप टू वाइक। बेसिकली दोस्तों अगर आपके फोन बंद है और ऐसे पड़ा है, अगर इसको उठाते हो तो ऑटोमेटिकली जो स्क्रीन है वो वाइक हो जाएगा। डबल टैप टू वाइक, यानी कि दोस्तों अगर आप डबल टैप करते हो
तो स्क्रीन है वो वाइक हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो फिंगरप्रिंट सेंसर जेस्चर्स, अगर इसको इनेबल करोगे तो फिंगरप्रिंट की मदद से जो नोटिफिकेशन बार है उसको आप यहाँ पे आप देख सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों वन हैंड मोड दिया है, दोस्तों यहाँ पे वन हैंड मोड में भी आप क्लिक कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे बटन में क्लिक करोगे, दोस्तों यहाँ पे दो बार प्रेस करोगे तो वन हैंड मोड खुल के आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करोगे तो इधर आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक करोगे तो इधर आ जाएगा, और यहाँ से बाहर निकालने के लिए दोस्तों यहाँ पे टैप करके रखोगे तो बाहर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ड्यूअल मैसेंजर दिया है। बेसिकली दोस्तों यहाँ पे एक ऐप को आप दो ऐप में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मैं कन्वर्ट करता हूँ और यहाँ पे आके इनेबल करता हूँ तो दोस्तों जो दो ऐप है वो ऑन हो जाएगा। यहाँ पे ड्यूअल ऐप कन्वर्ट हो रहा है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो जो फेसबुक है वो मैं कर रहा हूँ और यहाँ पे थोड़ा टाइम लेगा, उसके बाद जाके दोस्तों ड्यूअल ऐप में कन्वर्ट कर देगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे एक फेसबुक यहाँ पे है और एक फेसबुक यहाँ पे आ गया है। तो आपके हिसाब से ये सब कुछ आप इनेबल भी कर सकते हो। मुझे बहुत पसंद है ड्यूअल ऐप और मैं फेसबुक को ज़्यादातर यूज करता हूँ। उसके बाद दोस्तों बैग में चलिए और यहाँ पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे डिजिटल वेलबिंग में आओगे, दोस्तों यहाँ पे भी बहुत सारे फीचर्स है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे ऐप टाइमर में आओगे, बेसिकली दोस्तों यहाँ पे आके किसी भी ऐप यूट्यूब मान लो और यहाँ पे टाइमर सेव कर देते हो 30 मिनट, तो अगर आप 30 मिनट तक यूट्यूब ओपन किए हो तो एक नोटिफिकेशन खुल के आ जाएगा कि आपका जो ऐप है वो बंद करना चाहिए अभी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 30 मिनट सिलेक्ट किए हो। अगर आप यहाँ पे 1 आवर करते हो तो 1 आवर के बाद नोटिफिकेशन आएगा। यहाँ पे कस्टम में आके कस्टम भी आप यहाँ पे सिलेक्ट भी कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों चलिए कैमरा में, कैमरा में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे मोर में आइए, मोर में जाने के बाद दोस्तों ए आर इमोजीज में आइए। ए आर इमोजीज में आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्रिएट इमोजीज करना पड़ेगा और उसके बाद दोस्तों एक पिक्चर क्लिक करना पड़ेगा। पिक्चर मैंने क्लिक कर लिया हूँ, अभी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा मेल फीमेल या स्मॉल चाइल्ड वगैरह हो, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा है, रिकॉग्नाइज कर रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हो एक इमोजी बन के आ जाएगा और ये लोडिंग हो रहा है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो और यहाँ पे आप देख सकते हो। मुझे पता नहीं ये मेरा इमोजीज है कि नहीं दोस्तों, यहाँ पे आप दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका नेम भी डाल सकते हो, लुक्स वगैरह है वो आपके हिसाब से आप यहाँ पे सिलेक्ट भी कर सकते हो और बहुत कुछ है। यहाँ पे आके आप कपड़े वगैरह भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, बहुत कुछ है आपके हिसाब से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। और कैमरा में बहुत कुछ फीचर्स दिया है दोस्तों, एक एक करके मैं अगर बताने बैठ गया तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए दोस्तों मैं बहुत ही जल्दी कैमरा टिप्स एंड ट्रिक लेकर आऊंगा, तो उसके लिए जरूर इंतजार करना। दोस्तों नोटिफिकेशन बार में चलिए, नोटिफिकेशन बार में आने के बाद दोस्तों यहाँ से स्वाइप कीजिए और यहाँ पे एक नोटिफिकेशन खुल के आ जाएगा। दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन है आप कितने टाइम तक आप गायब कर सकते हो वो दिया है, अगर 2 आवर करते हो और सेव कर देते हो तो दोस्तों वो जो नोटिफिकेशन है वो गायब हो जाएगा और 2 घंटे के बाद आपको फिर से वो नोटिफिकेशन दिखाई देगा। आपके हिसाब से ये सब कुछ आप सिलेक्ट भी कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन भी कर सकते हो, यानी कि 2 ऐप आप एक विंडो में यूज़ कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे YouTube में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे YouTube में चलिए, YouTube में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं स्प्लिट स्क्रीन करता हूँ और यहाँ पे एक ऐप को मैं खोल लेता हूँ सेटिंग, तो बेसिकली 2 ऐप को आप एक साथ यूज़ कर पाओगे, बहुत अच्छा फीचर्स है। उसके बाद दोस्तों चलिए गैलरी में, गैलरी में आने के बाद दोस्तों यहाँ पे 3 डॉट में क्लिक करोगे तो यहां पे आने के बाद बहुत कुछ कर सकते हो, एक एक करके आप पढ़ते जाइए। जैसे कि दोस्तों GIF आप क्रिएट कर सकते हो, कलाज कर सकते हो, स्लाइड शो कर सकते हो, यहां पे बहुत कुछ है, रिसाइकल बिन कर सकते हो, एडिट में जाके एडिट भी कर सकते हो, बहुत कुछ फीचर्स दिया है। आपके हिसाब से ये सब कुछ आप यहां पे सिलेक्ट कर लेना और यहां पे आके सर्च भी कर सकते हो, आपका जो पिक्चर है वो सर्च हो जाएगा। अभी दोस्तों चलिए कॉलर में, कॉलर में जाने के बाद 3 डॉट में आने के बाद यहां पे सेटिंग में आओगे, यहां पे भी बहुत सारे फीचर्स मिलता है। जैसे कि दोस्तों यहां पे आप देख सकते हो कॉलर आईडी एंड स्पैम प्रोटेक्शन, बेसिकली इसको ऑन रखते हो और किसी भी स्पैम कॉल वगैरह आता है तो ये पहले से ही आपको बता देगा, बहुत अच्छा फीचर्स है। यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह कर सकते हो और यहाँ पे आंसर एंड एंडिंग कॉल में जाओगे, बेसिकली दोस्तों यहाँ पे जो आंसर ऑटोमेटिकली है अगर इसको इनेबल करके रखोगे और किसी भी बंदा आपको कॉल करता है, अगर आप फोन को कान के पास लेकर आ जाते हो तो ऑटोमेटिकली आंसर कर देगा। यहाँ पे प्रेस साइड की टू एंड कॉल, यानी कि दोस्तों किसी भी बंदा कॉल कर रहा है अगर इसको आप प्रेस करोगे तो जो कॉल है वो काट हो जाएगा, बहुत अच्छा अच्छा यहाँ पे फीचर्स भी दिया है। आपके हिसाब से आप एक एक करके पढ़ते जाइए और एक एक करके यूज करते जाइए। यहाँ पे कॉल डिस्प्ले व्हाइल यूजिंग ऐप, दोस्तों अगर मान लो किसी भी व्हाट्सअप या फेसबुक या यूट्यूब वगैरह देख रहे हो और उस टाइम कॉल वगैरह आता है तो आप चाहते हो क्या फुल स्क्रीन में कॉल आए या पॉपअप जैसा खुल के आ जाए या मिनी पॉपअप जैसा खुल के आ जाए, तो यहाँ पे ट्यूटोरियल दिखा रहा है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। एक एक करके देखते जाइए और एक एक करके सिलेक्ट करते जाइए। और दोस्तों ये था सैमसंग
सैमसंग गैलेक्सी M31 का टॉप 80 प्लस हिडन फीचर्स या टिप्स एंड ट्रिक और इसका कैमरा फीचर्स भी बहुत ही जल्दी मैं लेकर आऊंगा, तो उसके लिए जरूर इंतजार करना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, उसके साथ शेयर भी कर देना आपके दोस्तों के साथ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में, तब तक हमारे साथ बोलते रहिए भारत माता की जय।